I want to cook food. No, but your voice is very clear. Voice is true. Voice is very clear. What is the any major problem or something like that? I don't think it's a major problem. Okay. से मिलने आया था, उनका तबीयत ठीक नहीं है, मैंने मीडिया में सुना था। और कल भी मेरे सीएम पूर्ण चंद्र जमातिया, निमिष से वर्मा सब आए थे। आज मुझे लगा कि मैं भी आकर उनसे एक बार मिल लूँ। उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीनियर लीडर है, तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स आकर उनसे एक बार उनका हाल चाल पूछने के लिए मैं आया था। वो उनका तबीयत ठीक है, ही इज़ रिकवरिंग वेल, और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर भी हो जाए। डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ? डॉक्टर से बात नहीं हुआ, उनके ग्रैंडसन थे, उनके ग्रैंडडॉटर थे। आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनके साथ, तो मैंने उनसे बात किया। ही इज़ ओके, ही इज़ अ शुगर पेशेंट ऑल्सो, डिहाइड्रेशन था, ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट हमको कुछ इतना चिंता करने की बात, वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मद में नहीं है, तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। एकदम स्टेबल है। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप्स हमेशा मेंटेन करना चाहिए, और मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैंने किसी से पर्सनली दुश्मनी की है। कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो एक कर्तव्य बनता है हमारा कि एक दूसरे को सहायता करें, नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और हो। मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा उनका पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, और उनसे भी हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं इसके लिए। नहीं, देखिए, कल का जो मीटिंग था मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको जॉइंट कमिटी करना है फॉर त्रिपुरालैंड स्टेट और ग्रेटर त्रिपुरालैंड, पहले IPFT को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरालैंड। मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है, मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दे, हम उनके संग अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को, त्रिपुरासा लोगों को जो अभी गाँव में है, और उनके ऊपर हमारा आशा है। तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ विदाउट राइटिंग में, विदाउट ब्लैक एंड व्हाइट में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 2023 में जो चुनाव होगा अकेले लड़ेगा दीपा मोदी? अगर कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा, और अगर जितना होता है लड़ेंगे, 30 सीट है, 35 सीट से लड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पोजिशन बहुत क्लियर है। जो पोलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग अलायंस करना पड़ेगा। एक ह्यूमर उठा तो तृणमूल का साथ अब एक साथ करेगा, तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है तो। लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं, मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे, तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वॉन्ट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा, मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा, हम बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। थैंक यू।